एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है रेट एनालिसिस फॉर प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर का आज आपको रेट एनालिसिस करके बताएंगे। सो लास्ट वाले वीडियोस में आपको ब्रिकवर्क का बताया था। सो अगर बाकी रेट एनालिसिस का वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। रेट एनालिसिस क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या क्या डेटा रिक्वायर होता है रेट एनालिसिस के लिए वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको जल्दी पहुंचे। क्लियर है? सो अब चलते हैं रेट एनालिसिस फॉर प्लास्टर में। जो डायमेंशन हमारा क्या क्या है, लेंथ, हाइट, थिकनेस और एरिया। ठीक है, वॉल्यूम करेंगे 0.02। क्लियर? तो हमको क्या क्या चाहिए प्लास्टर के लिए, क्वांटिटी निकालने के लिए। बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, लेंथ इनटू हाइट करते हैं अपन, तो एरिया में निकल गया मीटर स्क्वायर में जनरली होता है। वॉल्यूम के लिए हमको थिकनेस, उसका जो प्लास्टर का जो थिकनेस होता है 12 mm होता है, 10 mm होता है, 6 mm होता है, सीलिंग के लिए 6 से 8 mm, फिर एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर के लिए 15 mm, इनर वॉल प्लास्टर के लिए 12 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हम रैंडम 0.02 यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, 0.01 कर दिए। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, 0.01 करेंगे, 0.02। क्लियर है? आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। सो सीमेंट सैंड कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं हम लोग, 1:4। क्लियर है? तो 1 हमारा क्या हो गया, सीमेंट हो गया, और 4 क्या हो गया, हमारा सैंड हो गया। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है, 0.0254। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ओके, सो अब चलते हैं आपको मटेरियल में आते हैं। तो हमारा सीमेंट का जो आया है, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, तो सीमेंट और सैंड बेसिकली लगता है हमारा प्लास्टर में। क्लियर है? तो सीमेंट का क्वांटिटी में आते हैं, तो ये 0.15 कहाँ से आया, तो इसका जो फॉर्मूला है निकालने का वो क्या है, सीमेंट का रेशियो डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, यानी कि 1+4, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है, 0.0254। क्लियर है? इससे मल्टीप्लाई किए, फिर डिवाइडेड बाई 0.035 टू कन्वर्ट इन बैग्स। बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा 0.035 से, तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा और जो आया है कितना है, 0.15। अब सैंड में आते हैं, सैंड में हमारा कितना है, तो वही है D6, यानी कि D6 हमारा क्या है, सैंड का रेशियो। सैंड का रेशियो हमारा क्या है, 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 1+4, फिर मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है, 0.0254। ठीक है, ये हमारा वैल्यू जो आया क्यूबिक मीटर में आया। ठीक है, सीमेंट का बैग्स में आता है, फिर एक बैग का जो प्राइसिंग है वो कितना है, $6, और सैंड का जो प्राइस है हमारा $15। क्लियर है? एक क्यूबिक मीटर का अमाउंट के लिए सिंपली क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 0.87 हमारा अमाउंट निकल के आया सीमेंट का, एंड आफ्टर दैट सैंड का आया 0.30। सब टोटल कर देंगे, इन दोनों को एडअप किए तो हमारा वैल्यू आ गया 1.18। क्लियर है? फिर अब आते हैं आपको मटेरियल का, तो अपने को पता चल गया कितना रेट लगेगा, कितना रेट लगेगा क्वांटिटी से, तो हमारा 1.18 लगेगा हमारा मटेरियल में। फिर अब आते हैं लेबर में, तो हमारा क्या क्या चीज़ यूज होगा, मेसन होगा, लेबर होगा, वाटर कैरियर होगा। क्लियर है? तो जो 1 MQ वर्क के लिए हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हमारा लेबर कितना यूज होगा, 0.075। क्लियर है? सॉरी, मेसन, और फिर लेबर यूज होगा 0.08 एंड वाटर कैरियर 0.08, एंड सबका यूनिट नंबर। ठीक है, एक मेसन का जो प्राइस है हमारा $20 है, वो लेबर का है 15 एंड वाटर कैरियर का है 15। क्लियर है? तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या किए, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस जो ऊपर में किए थे वही यहाँ पर भी करना है। तो सिंपली यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना निकल के आ गया, $1.50। लेबर के लिए आ गया 1.20, वाटर कैरियर के लिए आ गया 1.20। सिंपली क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस किए हम लोग, तो हमारा वैल्यू अमाउंट निकल के आ गया। क्लियर है?
सो बेसिकली क्या किए, इन तीनों चीज को एड अप कर दिए, क्लियर है? तो हमारा वैल्यू निकल के आ गया 3.90, ठीक है। मटेरियल में आया था 1.18 और लेबर डिपार्टमेंट में आ गया हमारा 3.90 रेट निकल के आ गया। इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट या बेस कॉस्ट, बेस प्राइस, ठीक है। 1.18 निकल के आ गया इन दोनों को, कुछ गलती है शायद, इसको ठीक कर देते हैं, इज इक्वल टू कर देते हैं SUM, डबल इंटर, इन दोनों को ड्रैग करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा वैल्यू निकल के आया 5.08, क्लियर है? इन दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा वैल्यू निकल के आ गया 5.08। तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या, इसका फोल्डिंग लगेगा हमारा, ठीक है, प्लास्टर करते तो इसका फोल्डिंग लगता है, क्लियर है। कंटीजेंसीज यानी कि मिसलेनियस 5%, इसका फोल्डिंग में 2%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10%, तो 2% ऑफ द कॉस्ट, जो प्राइम कॉस्ट जो आया हमारा, उसका 2% निकल के कितना आएगा 0.10। कंटीजेंसीज 5% यानी कि 5.08 में जो हमारा 5% निकालेंगे तो 0.25। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारा कितना है, 10% है, तो हमारा प्राइम कॉस्ट में से 10% निकाले तो 0.51। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ऐड अप कर देंगे, 0.10, 0.25 एंड 0.51 प्लस प्राइम कॉस्ट, जो प्राइम कॉस्ट जो हमारा मटेरियल और लेबर से निकल के आया, क्लियर है? इन तीनों चीज़ को ऐड अप करने के बाद हमारा वैल्यू जो टोटल निकल के आया $5.94, ठीक है। इतना हमारा लगेगा अगर हम लोग एक एम क्यूब यानी कि 0.02 मीटर क्यूब या एम एक मीटर स्क्वायर वर्क कर रहे हैं प्लास्टर, तो हमारा इतना अमाउंट लगेगा, क्लियर है? उसी हिसाब से यानी कि 50 मीटर स्क्वायर हो या फिर 100 मीटर स्क्वायर हो, सिंपली क्या करेंगे, एक मीटर स्क्वायर का जो अमाउंट निकल कर आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट पता चल जाएगा, क्लियर है? अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू।